वेल फ्रेंड्स, तो बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अजय देवगन की अनरिलीज्ड मूवी नाम मूवी के बारे में। और नाम मूवी की ये चर्चा दी थी प्रणेश रामचंद्रन जी ने। प्रणेश रामचंद्रन जी की बात करें तो उन्होंने बहुत बड़ा थैंक्स मैं उनको बोलूँगा, वो मेरे हर वीडियो को सपोर्ट करते हैं और हर वीडियो को देखते हैं। और जैसा कि मैं बात करूं, मैं ऐसा है कि भाई पब्लिक के कुछ कमेंट्स पर देखता रहता हूं और वाकई में उन कमेंट्स पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि वो दिल से पसंद करते हैं और दिल से जो पसंद करते हैं वाकई में वो बहुत ही अच्छे होते हैं। और सही बात करूं तो प्रणेश रामचंद्रन जी ने बोला कि नाम मूवी के बारे में, अनसील मूवी के बारे में आप चर्चा कीजिए। अगर मैं बात करूँ इस मूवी में आपको भूमिका चावला और समीरा रेड्डी ये दो हीरोइन हैं अजय देवगन के साथ आपको दिखाई देती है। और ये सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जो कि अनीस बाजमी की डायरेक्टेड मूवी बताई जाती है। अनीस बाजमी जी अजय देवगन के साथ दीवानगी मूवी में बताया जाता है पहले भी काम कर चुके हैं। और ये मूवी एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी होती नाम। आप लोगों ने दीवानगी मूवी देखी थी और दीवानगी मूवी में वाकई में एक अलग तरह का करेक्टर और एक अलग तरह का रोल आपको देखने को मिला। और अनीस बाजमी जो डायरेक्ट करते हैं मूवी, आई थिंक कुछ मूवीज़ तो उनकी कुछ कॉमेडी भी रही हैं और कुछ मूवीज़ जो मतलब फुल ऑन धमाल कर दिया है। और वाकई में ये मूवी अगर रिलीज़ होती है, और कुछ लोग तो ये अभी कुछ टाइम पहले चर्चा हुई थी तो लोग बोल रहे थे कि ये मूवी बन के तैयार हो चुकी है। अगर बन के तैयार हो चुकी है तो क्यों नहीं रिलीज़ की जा रही ये मूवी? क्योंकि अगर मैं बात करूँ, अगर मूवी में कुछ काम बाकी है, अजय देवगन के पास प्रोडक्शन कंपनी है, वो काम करवा सकते हैं या शूट का काम बाकी है। बोल रहे थे कि अनीस बाजमी उस टाइम पागलपंती मूवी में बिजी थे तो इस मूवी का कुछ बातें बंद हो गई थी। फिर उसके बाद जब पागलपंती रिलीज़ हो गई, उसके बाद अनीस बाजमी जी से मैं ये पूछना चाहूँगा और वाकई में अजय देवगन जी से भी ये पूछना चाहूँगा, ये मूवी कहाँ है? क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं इंतज़ार यार इस मूवी के लिए। आप लोग को क्या लगता है, वाकई में ये मूवी रिलीज़ हो जाएगी? तो आज के टाइम में अगर देखा जाए, उस टाइम में आई थिंक इस मूवी में 10 करोड़ रुपये 15 करोड़ रुपये लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 करोड़। और अजय देवगन की एक मूवी रिलीज़ होते ही आप लोग को पता है कि 50 करोड़ का ये अगर कितनी से गिरी से भी मूवी होगी, 50 से 80 करोड़ का 100 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। और वाकई में अगर दीवानगी जैसी मूवी है तो 100 करोड़ पार है मेरे हिसाब से। तो आप लोग को क्या लगता है कि ये मूवी रिलीज़ हो जानी चाहिए या नहीं, प्लीज़ एक बार कमेंट में बताना। हर हम आपसे अनरिलीज्ड मूवी की और भी हीरोज़ की चर्चा करते रहेंगे। और आने वाले टाइम में आप लोग से मैं बता देता हूँ कि आप लोग के कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय।